Okay, so now we are going to start with a new topic, law of property. तो जब कभी भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होती है एंड वन ऑफ द पार्टीज इज अ फॉरेनर, तो क्या रूल्स अप्लाई होते हैं वो डिटेल में देखेंगे. सो नाउ दो तरीके के प्रॉपर्टीज होते हैं, एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, जैसे लैंड है, बंगलो, फ्लैट, फार्म हाउस, जो चीज़ हिल नहीं सकती, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो उसके क्या लॉज हैं. सक्सेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गवर्न बाय लेक्स साइटस, मतलब जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है. तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जर्मनी में है तो उस देश का लॉ अप्लाई होगा, अगर वो प्रॉपर्टी इंडिया में है तो इंडिया का लॉ अप्लाई होगा. इवन दो उसका ओनर कोई फॉरेनर है, फिर भी प्रॉपर्टी अगर इमूवेबल है और वो किसी पर्टिकुलर देश में है, चाहे वो कनाडा हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जिस देश में वो इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होगी उसी देश का लॉ उसको गवर्न करेगा. ओके, सो लॉ प्रोसीजर इज गवर्न थ्रू लेक्स फोरी, दैट इज द लॉ ऑफ द फोरम. तो जिस देश का कायदा, उसी देश का प्रोसीजर, उसी देश के कायदे फॉलो होंगे. द लेक्स साइटस रूल्स डिफाइंड बाय मॉरिस एज द सोवरेन ऑफ कंट्री वेयर इट हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर द लैंड विद इन इट्स डोमिनियंस वेयर हिज कोर्ट्स are alone entitled to exercise its jurisdiction over such land. तो हर immovable property, अब जमीन इंडिया में होगी तो obviously उसके ऊपर कोई जर्मन लॉ तो अप्लाई नहीं कर सकते, कोई जापानीज लॉ तो अप्लाई नहीं कर सकते, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ as per the lex situs rule इंडिया का ही लॉ अप्लाई होगा. So English private international law has universally accepted the characterization of property into movables and immovables. Rights over immovables are governed by the lex situs rule. Rights over the movables are not necessarily governed by the law. तो देखिए जब मूवेबल प्रॉपर्टी होती है तो उसके लिए जैसे गोल्ड है, कार है, टू व्हीलर है, कैश है, पैसा है, ओके, तो उसके लिए सरकमस्टांसेस देखने पड़ेंगे, डोमिसाइल देखना पड़ेगा, नेशनैलिटी देखनी पड़ेगी, उस हिसाब से मूवेबल प्रॉपर्टी का रूल डिसाइड होगा, लॉ डिसाइड होगा. लेकिन immovable property के लिए clear है, the law of the land will be applicable where that particular immovable property situated. Even under the Indian private international law, property is classified into movable and immovables. Movables can be further classified into tangible and intangible. Tangible मतलब जिसको आप छू सकते हो, intangible जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है. जैसे gold है वो tangible है, लेकिन bitcoin से intangible है, virtual currency intangible है, ठीक है. Under the English law, it is a rule that English court will not take up jurisdiction for the determination of the title or right of possession of foreign land. Foreign land के ऊपर obviously English हो या India हो, कोई भी बाहर देश का कोई land होगा उसके ऊपर हम कुछ नहीं बोल सकते. This rule is derived from the EFTA state, जिसमें हमने देखा था EFTA states में Switzerland, Norway और Ireland थे, from Article 24 of Brussels I and the rules in Lugano Convention. The given rules gives exclusive jurisdiction in proceedings related to matters which have their objects right in rem in immovable or movable property to the courts of the country in which property is situated. तो हमेशा याद रखिएगा immovable property जहाँ पे situated होगी उसके उसका law apply होगा उस देश का, movable property का ऐसा कोई specific law नहीं है. तो law of situs under the private international law rules potentially applying renvoi. अभी renvoi अगर याद होगा fourth चैप्टर है हमारे सिलेबस का, रेनवॉय में आप उस पर्टिकुलर कंट्री के किसी कोर्ट का, किसी जुडिशियल ऑफिसर को रेफरेंस के लिए पूछते हो कि आपके देश का कायदा का सही इंटरप्रिटेशन आप हमें बताइए. सेकेंडली, डिटरमाइनिंग द लॉ ऑफ द साइटस माइट इन्वॉल्व एन एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेन रूल एप्लीकेबल टू अ डोमेस्टिक सिचुएशन, ठीक है. तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, व्हेन इट कम्स टू ऐसी सिचुएशन हो सकती है कोई फॉरेन का रूल आपके डोमेस्टिक सिचुएशन में अप्लाई करने की जरूरत पढ़ सकती है, तब आप उस फॉरेन कंट्री के कोई जुडिशियल ऑफिसर को उनके लॉ का इंटरप्रिटेशन के लिए, रेफरेंस के लिए पूछ सकते हो. बट नेवरदलेस देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच इंग्लिश कोर्ट हैव जुरिडिक्शन ओवर केसेस व्हिच रिक्वायर डिटरमिनेशन ऑफ मैटर्स पर्टेनिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड एट फॉरेन लैंड. तो कभी कभी ऐसा है, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस अंडर द इंग्लिश लॉ कि इवन दो लैंड अगर फॉरेन कंट्री में है, स्टिल देयर इज अ चांस और देयर इज अ सर्कमस्टांसेस कि आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर भी इंग्लिश लॉ अप्लाई कर सकते हो. देयर आर सर्टेन पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज. दिस इंक्लूड्स केसेस वेयर डिटरमिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी डील्स विद क्वेश्चन ऑफ टाइटल इंसिडेंटली इन अ पर्सनस क्लेम अगेंस्ट डिफेंडेंट और अ क्लेम ऑफ विल और डिवोर्स ओवर व्हिच इंग्लिश कोर्ट्स हैव जुरिडिक्शन. तो कोई विल, अगर विल में ही लिखा हुआ है किसी को मरते मरते अगर किसी ने विल बना दिया या डिवोर्स के बाद जमीन इधर की उधर हो गई, तो वो विल या डिवोर्स जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो इंग्लिश कोर्ट का कभी कभी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो फॉरेन लैंड पे है उसके ऊपर उनका जुरिडिक्शन आ जाता है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए सेड इन 1869 द लॉ ऑफ द सूट्स ऑफ लैंड conveniently determines descent, alienation and transfer and the effect and construction of conveyances. For the purpose of the private international law, lease creates an interest in the immovable and is subject to law of situs. Thus, under the rule of lex situs, the question of choice of law arises when a dispute involving one or more parties concern foreign element in it. ठीक है, तो जब कभी भी foreign element involve होता है, immovable property होती है, तो lex situs का रूल अप्लाई होता है. अभी immovable property का देखते हैं. immovable property के लिए तो हमने देख लिया है कि जिस किसी देश में वो immovable property होगी उसी देश का प्रोसीजर और उसी देश का लॉ एप्लीकेबल होगा. बट जब मैं मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, देयर इज अ डिफरेंट सिचुएशन. ठीक है, द वैलिडिटी ऑफ कन्वेयंस ऑफ टैंजिबल चैटल्स और सिक्योरिटीज इज डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ द स्टेट वेयर द चैटल इज सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ द कन्वेयंस. तो कन्वेयंस करते समय वो टैंजिबल प्रॉपर्टी कहाँ पे थी, टैंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएटेड थी, वो सोना कहाँ पे था, वो कैश कहाँ पे थी, वो कार कहाँ पे थी, वो टू व्हीलर कहाँ पे थी, उस देश का लॉ अप्लाई हो सकता है. लाइकवाइज द फॉर्मेलिटी सच एज एक्नॉलेजमेंट necessary to the validity of a conveyance of a chattel, the nature of interest conveyed, the effects of the conveyance on the pre-existing interest of the chattel are determined by the law of the state where the chattel is situated. जहाँ कहीं पे भी वो movable, tangible property आपको situated होगी, वहाँ पे उसका आपको यहाँ पे जिसके पास उसका पोजीशन होगा, वो पर्सन या वो प्रॉपर्टी के जिसके पास उसका पोजीशन होगा उस जगह का लॉ एप्लीकेबल होगा. इंटेंजिबल पर्सनल प्रॉपर्टी आल्सो फॉलोज द पर्सन एंड इज गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ द डोमिसाइल ऑफ द ओनर. तो याद रखिएगा व्हेन इट कम्स टू मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो जहाँ पे वो पर्सन डोमिसाइल्ड है, ठीक है, इवन इफ सपोज आई एम इन अमेरिका बट आई एम डोमिसाइल्ड इन इंग्लैंड, वहाँ पे मुझे हार्ट अटैक आ गया, कोई वहाँ पे कोई पर्सन मर गया, तो उसकी जो प्रॉपर्टी वो वापस इंग्लैंड भेज दी जाएगी क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो इंग्लैंड का डोमिसाइल्ड है, तो उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी उसके उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसका कोई नॉमिनी या उसका कोई फैमिली मेंबर को वो प्रॉपर्टी चली जाएगी जो मूवेबल है. ठीक है, इमूवेबल के लिए हमने देखा था कि उस देश का जो कायदा होगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा. सो इन द केस ऑफ डेब्ट बीइंग एन इंटेंजिबल द प्रॉपर्टी इज गवर्न्ड बाय द डोमिसाइल ऑफ द क्रेडिटर. तो जिस डेप्ट अगर जो किसने उसको क्रेडिट दिया होगा वो कहाँ पे रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो मैं इंग्लैंड में हूँ, मुझे डेप्ट है, पर मेरे को क्रेडिट देने वाला बंदा फ्रांस में बैठा है, तो फ्रांस का लॉ अप्लाई होगा उस डेप्ट के ऊपर क्योंकि मुझे पैसा चाहिए. सो फ्रेंच लॉ जो बताएगा उस हिसाब से वो डेप्ट को रिकवर कर सकते हैं. द वैलिडिटी एंड इफेक्ट ऑफ अ लीन ऑन अ चैटल आर डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ द स्टेट वेयर द चैटल इज एट द टाइम व्हेन द लीन इज क्रिएटेड. तो डोमिसाइल याद रखिएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी में डोमिसाइल ऑफ द पर्सन इज द वन व्हिच डिसाइड्स द jurisdiction or the choice of law with regards to movable property. As a matter of public policy, a state is empowered to decide whether to apply its own rules to property within the state or foreigners who choose to place it there for custody or investment, and to honor or not the formal agreements or suggestions of such owners by which the state's law would apply. तो कभी ये जो debts होते हैं, securities होते हैं, उसके ऊपर काफी चीजें depend करती हैं कि कभी कभी सरकारें खुद अपना नियम अप्लाई करती हैं, कभी कभी खुद वो अपना लॉ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आप करते हो अलग अलग देशों में. ठीक है, डिपेंड करता है. जनरली लॉ ऑफ द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डिटरमाइंस इफ अ राइट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द ओनर. लॉ ऑफ द स्टेट वेयर ट्रांसफर इज मेड गवर्न्स द वैलिडिटी ऑफ ट्रांसफर फॉर चूजिंग एक्शन. तो जहाँ कहीं पे भी पैसा ट्रांसफर हो रहा है, जहाँ पे पोजिशन होगा उसके हिसाब से डिपेंड कहाँ से वो पैसा इन्वेस्ट किया गया तो उसी देश में उसको वापस दिया जाएगा. हावेवर if the transfer of a choose in a state other than the state wherein the choose is located conflicts with the interest of the latter state, it will not be regarded as valid in such state. तो अगर देखिए हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं एक देश से दूसरे देश में, और अगर आप कुछ हो जाता है तो आपके इन्वेस्टमेंट्स वापस आपको मिल जाने चाहिए, आपके जो नॉमिनी होंगे उनके उनके नाम पे कर देने चाहिए, करेक्ट. लेकिन अगर उसके वजह से उसी देश को नुकसान हो रहा है, आपने बहुत लमसम पने डाला जिसके बेसिस पे आगे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो सडनली अगर दैट इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट वेयर यू हैव इन्वेस्टेड द मनी, तो आपको इमीडिएटली उसका पैसा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा बट इट विल टेक सम टाइम. The restatement provides that as between persons who are not both parties to the conveyance of a right embodied in a document, the effect of the conveyance depends upon the effect of the conveyance of the document. And this is determined by the law that would be applied by the courts of the state where the document was at the time of the conveyance. Such courts usually apply their own local laws. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो डॉक्यूमेंट है फॉर एग्जाम्पल वो कहाँ पे है सिचुएटेड. So if that document is situated in some other country, तो जहाँ कहीं पे भी वो document है उस देश का नियम उस immovable property पे लगेगा. Okay, so it was a small chapter, last one, जहाँ पे याद रखिएगा दो तरीके के property होते हैं, immovable, movable. Immovable property में जो कायदा अप्लाई होगा, तो जहाँ कहीं पे भी वो immovable property जैसे land है, farm है, बंगलो है, flat है, बिल्डिंग है, उस जहाँ पे वो सिचुएटेड है उस देश का कायदा अप्लाईकेबल होगा. और जब मूवेबल प्रॉपर्टी होती है तो उस इंसान का जो डोमिसाइल्ड है जहाँ पे वो कई सालों से हैबिचुअल रेजिडेंशियल पर्सन जहाँ पे वो रहता है वहाँ का अप्लाई करेगा, या जहाँ पे पोजीशन है वहाँ पे अप्लाई करेगा. अगर डेब्ट है तो क्रेडिटर का डोमिसाइल डिसाइड करेगा. डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे वो डॉक्यूमेंट लोकेटेड है, उस देश का कायदा अप्लाई होगा. तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए एक फिक्स लॉ नहीं है, डिपेंड करता है पोजीशन किसके पास है, डोमिसाइल क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी. लेकिन इमूवेबल का फिक्स है कि उसी देश का नियम लगेगा. लेकिन हमने इंग्लिश लॉ में देखा कि डिवोर्स या विल होगा तो कभी कभी इंग्लिश कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन फॉरेन लैंड पे भी चला जाता है. फॉरेन लैंड के ऊपर इंग्लिश कोर्ट अपना ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई कर सकते हैं व्हेन दे वांट टू एनफोर्स अ विल और अ डिवोर्स, उसके हिसाब से, अदरवाइज आप नहीं कर सकते. सो दैट वाज द टॉपिक ऑन लॉ ऑफ प्रॉपर्टी अंडर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ.